हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही बढ़िया। आप सब के इतने सारे सवाल जवाब कि सर स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, सर एग्ज़ाम्स होंगे नहीं होंगे, सर क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी के में क्या होगा, 12th का तो रिज़ल्ट ही नहीं आया अभी तक। तो ये सभी चीज़ें हैं। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कब होगा, CBSE के जो पेंडिंग पेपर्स रह गए उनके एग्ज़ाम होने हैं कि नहीं होने हैं, इतने सारे सवाल। इंस्टाग्राम का पूरा DM भर दिया, यूट्यूब में अपने कमेंट बॉक्स में इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं। तो हमने सोचा कि लाइव ना आकर आपको एक प्रॉपर अच्छा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे ज़रा दे दें। तो बिना किसी देरी के फटाफट से आपको एक एक टॉपिक पे सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग अब शुरू करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो हमारी है वो है कि CBSE के एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं होंगे। तो सभी बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर जियो का पेपर रह गया, सर सोशोलॉजी का पेपर रह गया, सर हिंदी का पेपर रह गया, क्या होगा, मैं तो दिल्ली से बाहर चला गया हूँ, तो मैं दिल्ली में हूँ, हमारे एग्ज़ाम होने हैं कि नहीं होने हैं। तो बच्चों, अगर मैं इसकी आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो आप ये कह सकते हो कि 90% चांसेस हैं कि CBSE के पेपर दोबारा नहीं होंगे। और ऐसा बहुत सारे जो भी एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे आपके CBSE के ऑफिसर्स हैं, उनका ऐसा कहना है, दिल्ली की हालत जो है उसको देखते हुए एग्ज़ाम्स लेना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने भी ट्वीट करके इसका जवाब दिया है। उन्होंने CBSE को सजेस्ट किया है कि एग्ज़ाम्स दोबारा ना लिए जाएं और एग्ज़ाम्स की बजाय इंटरनल के हिसाब से पेपर्स को के मार्क्स को दिया जाए। लेकिन इस पे बच्चों के जो क्रॉस क्वेश्चंस आए हैं कि सर हम लोगों ने तो बोर्ड की तैयारी जो करी थी वो फाइनल के अकॉर्डिंग करी थी, हम लोगों जो प्री बोर्ड था हम लोगों ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो ये सब चीज़ें थी। तो इन सब का भी हमें वेट करना पड़ेगा। मंगलवार तक जो है इसका पूरी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि CBSE के एग्ज़ाम होने हैं नहीं होने हैं, कि क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद बात करते हैं कि 10th क्लास के बच्चे, जिन्होंने 10th क्लास के वो बच्चे जिन्होंने CBSE के एग्ज़ाम्स दिए हैं उनका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि बच्चे वेट कर रहे हैं, सर हम स्ट्रीम कौन सी लेंगे, सर हमारा एग्ज़ाम तो हो चुका है, अभी तक एडमिशन्स भी हो जाते हैं, अभी तक तो रिजल्ट का कोई नामो निशान ही नहीं है। तो बच्चों, एग्ज़ाम्स की चेकिंग चल रही है और रिजल्ट के पूरे पूरे चांसेस है कि 15 अगस्त तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। 10th क्लास का रिजल्ट 15 अगस्त तक आ जाएगा, एज पर कंडीशन ये लेके चल रहे हैं कि अगर CBSE का एग्ज़ाम होता है वो भी रिजल्ट 15 अगस्त तक आ जाएगा। और ये रमेश पोखरियाल जी ने भी ट्वीट करके इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बाद अब बारी आती है कि सर हम पढ़ाई शुरू करें कि नहीं करें, सर 11th की पढ़ाई हमें शुरू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मेरा सजेशन होगा बिल्कुल आपको 11th की पढ़ाई अभी इसी टाइम अगर आपने शुरू नहीं करी है तो शुरू कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, आप सबको बिल्कुल क्लियर है कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके से हुआ है, आपके एग्ज़ाम किस कैसे गए हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट एनालिसिस कर दूं तो सब्जेक्ट एनालिसिस में इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे आप साइंस ले लीजिए, चाहे आप कॉमर्स ले लीजिए, चाहे आप आर्ट्स ले लीजिए, इंग्लिश एक वो सब्जेक्ट है जो तीनों स्ट्रीम में आएगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि 11th 10th से 11th में जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू करें, तो इंग्लिश और मैथ्स की पढ़ाई आप लोग शुरू कर दीजिए अगर आप कंफ्यूज हैं। जो बच्चे कंफ्यूज नहीं है, जिन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा है कि मैं साइंस लूंगा, मैं कॉमर्स लूंगा, मैं आर्ट्स लूंगा, उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। अगर अभी तक आपने अपनी पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो प्लीज अभी से ही आप अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। इंग्लिश और मैथ्स आप अपना कॉमन सब्जेक्ट लेके रखिए, सो दैट आप जो भी स्ट्रीम में जाएं आपका एक सब्जेक्ट तो क्लियर। बट मैं तो अभी भी सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने जो भी स्ट्रीम लेनी है आप उसकी पढ़ाई अभी भी आप लोग शुरू कर दीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि स्कूल ओपन होने नहीं होने, CBSE का जो है 12th का और 10th का जो एग्ज़ाम है, CBSE का 12th का जो 10th का एग्ज़ाम है, जो 10th का एग्ज़ाम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहता है क्योंकि वहाँ पर दंगों की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे, इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी अभी जो भी जजमेंट आना है, सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को बोल दिया है कि मंगलवार तक इसको आप इस पे कोई ना कोई सर्कुलर निकालिए या कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें क्लियर कीजिए कि एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे। तो ट्यूसडे तक इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी आ जानी है कि एग्ज़ाम एग्जैक्टली होने नहीं होंगे, 90% चांस है एग्ज़ाम नहीं होंगे, 90% चांस है एग्ज़ाम
नहीं लेगी सीबीएसई, एटलीस्ट दिल्ली में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है जिस तरह से दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं। उसके बाद अगर हम सबसे बात करें, बच्चे बहुत क्वेश्चन कर रहे थे कि सर जो बच्चे 8th में हैं, जो बच्चे 9th में हैं, 8th से वो 9th तक प्रमोट कर दिए गए, 9th से वो 10th में प्रमोट कर दिए गए, तो सर उन लोगों का रिजल्ट कब आएगा, सर रिपोर्ट कार्ड कब मिलेगी, कौन फर्स्ट आए कौन सेकंड है वो कैसे पता चलेगा? तो बच्चे अभी जो आप लोगों, जो बच्चे फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक थे, जिनको आगे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है, उनके जो रिपोर्ट कार्ड है वो स्कूल खुलने के बाद ही मिलेंगे। अभी आप सबको इतना मालूम है कि आप पास हैं या आप फेल हैं, तो अभी आप लोग रिपोर्ट कार्ड का वेट मत कीजिए। काफी बच्चे कह रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड आने के बाद ही हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि हम पास हुए या नहीं हुए, तो ऐसा कुछ नहीं है। 8th क्लास तक के दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के सारे बच्चों को पास कर दिया गया है, प्रमोट कर दिया गया है। 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनमें जिनकी री एग्जामिनेशन आई है, उनके एग्जाम भी होंगे, जुलाई में होंगे। कैसे होंगे ये भी डिपेंड करेगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इस पर क्या कमिटमेंट देता है। इसके लिए हमें अभी भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी कोई ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट नहीं हो पाई है किसी भी अथॉरिटी की तरफ से। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मैं यहाँ से बोल दूँगा एग्जाम होंगे या एग्जाम नहीं होंगे और आप लोग कंफ्यूज हैं, तो अभी तक एग्जैक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आई है, हमें बिल्कुल वेट करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको थोरो बताऊं तो 10th और 12th के एग्जामिनेशन का दोबारा से बताता हूं कि 10th और 12th के एग्जामिनेशन जो हैं वो होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं। 9th और 11th क्लास के री एग्जामिनेशन मतलब कंपार्टमेंट के पेपर होने के भी चांसेस बहुत कम है, शायद उन लोगों को इंटरनल के बेस पर ही पास कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कूल ओपनिंग। स्कूल कब से खुलेंगे, हम अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, हम लोग अपने टीचर से नहीं मिल पा रहे हैं, ऑनलाइन में आंखें दर्द हो जाती हैं पढ़ते पढ़ते, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें कैसे करें, स्कूलों का क्या है। तो बच्चों स्कूल ओपन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। स्कूल बहुत एक डेलिकेट जगह होती है, बहुत ही सेंसिटिव जगह है, जहाँ पर हजारों में बच्चे होते हैं, कौन बच्चा किस इलाके से आ रहा है, आते वक्त वो क्या किन चीज़ों को छूकर आ रहा है, इसके लिए हम कैसे हम कंफर्म करेंगे। तो इसके लिए हर स्कूल के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने SOP बनाया है, मतलब कि स्कूल ओपनिंग प्लान बनाया है, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था कि सब लोग अपने अपने एरिया के हिसाब से, मतलब आपका अगर रेड जोन पड़ता है तो वहां के क्या हिसाब किताब हो सकता है, ऑरेंज जोन होता है तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग एक स्कूल ओपनिंग प्लान SOP बनाइए अपने अपने स्कूलों का। लेकिन एज पर सजेशंस फ्रॉम वेरियस टीचर्स, जिनके साथ मैं खुद कनेक्शन में हूँ, प्रिंसिपल्स, DDs, डायरेक्टर्स, उनका ऐसा कहना है कि फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के बच्चों को जुलाई में स्कूल नहीं बुलाएंगे। फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के बच्चों को जुलाई में स्कूल नहीं बुलाएंगे, बगैर अगर मैं 9th की बात करूँ और से लेकर 12th की बात करूँ तो इनके स्कूल आने के चांसेस थोड़े से हैं, इन्हें स्कूल बुला सकते हैं। लेकिन इसमें भी प्लानिंग है कि अल्टरनेट डेज पे बुलाया जाएगा, एक बेंच पे एक बच्चा बैठा होगा, प्रॉपर आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन के साथ। बट इस पे भी अभी क्लियरिटी आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि वो किन को स्कूल में बुलाएंगे। बिकॉज अगर मैं एज अ पेरेंट सोचूं तो एज अ पेरेंट घर पे तो गारंटी ले सकता है कि जो बच्चा है वो इस चीज़ को नहीं छू रहा, यहाँ पे जा रहा है वहाँ पे जा रहा है। लेकिन जब वो अपना बच्चा घर से स्कूल में आ रहा है, स्कूल आने के बाद कितना हम लोग ध्यान रख पाएंगे कि वो चीज़ों को टच ना करे, या वो अपने आप को कितना सिक्योर रखता है। तो अगर मैं स्कूल ओपनिंग की बात करूँ, स्कूल ओपन होने के चांसेस अभी तक 95% है कि स्कूल ओपन नहीं होंगे जुलाई में। बट स्टिल वी हैव टू वेट कि क्या होता है, क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आती हैं। लेकिन फर्स्ट से 8th क्लास के बच्चों को तो पक्का है नहीं बुलाएंगे, लेकिन बड़े बच्चे जो कि 9, जिनकी इम्यून पावर फिर भी स्ट्रांग होती है, शायद उनको बुला सके। जैसे अगर किसी क्लास में 100 बच्चे हैं तो 50-20 कर करके उनको अलग डेज पे बुलाएं। ठीक है, अब अगला जो है आपका वो है कि अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए CBSE से रिलेटेड, तो आप इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9:00 से 5:00 के बीच में वर्किंग डेज में।
आपको सीबीएसई रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन इस हेल्पलाइन नंबर पे सीबीएसई के ऑफिशियल्स द्वारा प्रॉपरली दी जाएगी। तो अब अगर हम समरी की बात करें कि भैया क्या क्या सर ने फटाफट इन्फॉर्मेशन एक बार फटाफट देख ले, जो लोग अभी वीडियो को यहाँ पे अभी ज्वाइन हो रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो है कि सीबीएसई के 10th और 12th के ना होने के एग्जाम के चांसेस हैं, 90% एग्जाम नहीं होंगे। फिर भी हम लोग ट्यूसडे तक वेट करते हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं वो भी मैं पक्का आपको अपडेट्स दे दूंगा। उसके बाद 9th के और 11th के जो कंपार्टमेंट के एग्जाम्स हैं, 9th और 11th के कंपार्टमेंट के एग्जाम हैं, वो भी पूरा का पूरा डिपेंड करेंगे 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के ऊपर। वो भी हम लोग देखते हैं कि होते हैं नहीं होते हैं। सेम चांसेस है 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन, 9th और 11th के री कंपार्टमेंट या री एग्जाम कह सकते हो आप लोग उसको, उसके चांसेस होने के 90% है कि नहीं होने वाले, 10% है उसमें हो भी जाए। लेट्स वेट फॉर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स। स्कूल ओपनिंग की बात करें तो फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक बच्चों के लिए स्कूल ओपन नहीं होने वाले हैं। अगर सेकेंडरी क्लासेस की बात करें 9th से 12th के, तो वो बच्चे आएंगे, उनके आने के एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया जाएगा कि किस तरीके से स्कूल में बच्चों को बुलाया जाए। पेरेंट्स पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा ये चीज। नेक्स्ट जो है आपका कि क्या सर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है क्या वो ऑर्डर करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी सीबीएसई को ऑर्डर कर दिया है कि मंगलवार तक वो लोग इन्फॉर्मेशन दे दे। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, एंड दिस इज आवर फर्स्ट रिकॉर्डेड वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो, प्लीज़ ये सपोर्ट बनाए रखें। एंड हम जल्दी ही बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी सीरीज लेके आने वाले हैं। लाइव क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं जिसमें कि लाखों बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, और ये बहुत आप सबका बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो कीप दिस सपोर्ट ऑन, टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड हेल्प अस टू रीच आउट एवरी स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय दोस्तों।